जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के दूर दराज के गांव हंजर में आज तड़के बादल फटने के बाद अचानक से आई बाढ़ की चपेट में आने से 8 मकान ढह गए। उन घरों में रहने वाले परिवारों के करीब 30 सदस्य मलबे में दब गए। स्थानीय स्तर पर चलाए गए बचाव कार्य के बाद 5 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं, जबकि 25 लोग अभी भी लापता है। बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछले 12 घंटों के भीतर किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटा है। पहला बादल किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ चशोती में गत मंगलवार शाम को फटा। हालांकि इसमें किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, परंतु नाले में आए तेज उफान की वजह से 4 पुल बह गए, कुछ मकानों को क्षति पहुंची है। इसके बाद आज सुबह 4:30 पर दूसरा बादल किश्तवाड़ में डचन इलाके के हंजर इलाके में फटा, जिसकी चपेट में आने से जान व माल का काफी नुकसान हुआ है। 8 घर मिट्टी में दफन हो गए। बताया जा रहा है कि इन घरों में रहने वाले परिवारों के करीब 30 सदस्य अभी भी लापता हैं। हालांकि 5 शव बरामद हो चुके हैं। पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ये जो पतिबाग के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन सबको हिदायत दी जाती है कि जो हमारा ये जो रोड नाला है, ये पुल के पास, वहाँ पर वाटर लेवल सडनली इंक्रीज हो गया है। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं, ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, हम आपको बता देंगे। अपने बच्चे जो भी जैसे आप जाना चाहते हैं, आप गुलाबगढ़ चले जाएं, मट्टी वाली साइड चले जाएं, बस सेफर एरिया में चले जाएं। अगर यहाँ पे कोई यात्री है, इसके घर में रुका हुआ है, उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाएं, मत अठौली की तरफ को जाएगा या कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे, जिससे कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये मैं इस ये मैसेज देना चाहता हूँ आपको, ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी सेफ एरिया में चले जाएं। हमें जान माल को बचाना है और सबको बचा के लेके चलना है। कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बारिश काफी ज्यादा हुई है। ये जो ऊपर एरिया, जो कैचमेंट एरिया से हमारे चसोटी के या मछलियत के, वहाँ पर जंगल लैंडस्लाइड आने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप सबको हिदायत दी जाती है, सब लोकल्स हैं यहाँ के, बच्चे भी खड़े हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। तो जो आपका गुलाबगढ़ में कोई अल्टरनेट कुछ है या कोई रिश्तेदार है, वहाँ पर।